दोस्तों भारत ने तीसरा टेस्ट मुकाबला आसानी से जीत लिया इंग्लैंड से। दोस्तों चौथे दिन ही हमारी टीम इंडिया की गेंदबाजों ने उनको ऑल आउट कर दिया मात्र 40 ओवर के अंदर। और दोस्तों काफी कमाल की बैटिंग की यशस्वी जायसवाल एंड सरफराज खान एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं सुमन गिल ने भी काफी अच्छी बैटिंग की थी। और दोस्तों ये मुकाबले एक तरफा टीम इंडिया जीत गई। और दोस्तों मैच जीतने के बाद कैप्टन रोहित शर्मा ने सरफराज खान को अपने गले से लगाया। दोस्तों वह मोमेंट देखने लायक था जब रोहित शर्मा ने सरफराज खान को अपने गले से लगाया। दोस्तों काफी मजा आया रोहित शर्मा को देखकर। आपको बता दोस्तों सरफराज खान ने टेस्ट में डेब्यू किया था और दोनों ही इनिंग में उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट की। दोस्तों काफी कमाल की बैटिंग की सरफराज खान ने डेब्यू मैच में। और दोस्तों अब आने वाले टाइम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं टीम इंडिया के टेस्ट के लिए। तो दोस्तों आपको पता है टीम इंडिया दो टेस्ट मुकाबले जीत गई, एक हार गई, तीन मुकाबले हो चुके हैं, दो मुकाबले अभी भी बाकी हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं टीम इंडिया आसानी से दो मुकाबले जीत जाएगी। फ्रेंड्स अगर आप भी टीम इंडिया को पसंद करते हैं वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।